Welcome you all to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Review College, University of Allahabad. And today we are going to discuss a very important test of intelligence known as Wechsler's Test of Intelligence, commonly known as WAIS, W-A-I, Wechsler Adult Intelligence Scale. Okay, and this video will be useful for various teaching examinations because intelligence is a very important topic to ask. Let's start our discussion. First of all, we have to revise that we have already studied Binet-Simon scale and Stanford-Binet scale. Okay, and today we are going to discuss the third and the most important test of intelligence. After that, we would study Bhatia Battery, the Indian adaptation of intelligence testing. And then we will close this huge task of completing intelligence in totality. Okay, so let's start. Wechsler's Test of Intelligence or Wechsler Adult Intelligence Scale. The Wechsler Adult Intelligence Scale, commonly known as WAIS, is an intelligence test first published in 1955. तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए, सन ईयर हमें याद होनी चाहिए. तो 1955 में ये आ रहा है पहली बार. एंड डिजाइंड टू मेजर इंटेलिजेंस इन एडल्ट्स एंड ओल्डर एडोलेसेंट्स, यानी कि मेनली मुख्य रूप से जो बिने साइमन है, स्टैनफोर्ड बिने है, वो ज्यादा केटर किसको कर रहे हैं, चाइल्ड को कर रहे हैं, स्पेशली बिने साइमन. और स्टैनफोर्ड बिने थोड़ी कोशिश करते हैं लेकिन उनका भी उतना यू कैन से कि सटीक नहीं हो पाया एडल्ट के इंटेलिजेंस टेस्टिंग के लिए. वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल या वेशलर साहब उस पर ज्यादा खड़े उतरते हैं, इसीलिए ये मेनली एडल्ट और ओल्डर एडोलेसेंट के लिए. या आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपसे थियोरेटिकल सवाल पूछा जाता है और आपसे कहा जाएगा कि इंटेलिजेंस का कोई भी पोर्शन का एक सवाल है और साथ में उसमें जोड़ देगा कि आप एडल्ट के इंटेलिजेंस मापने के लिए कोई उपकरण का वर्णन कीजिए या ओल्डर एडोलेसेंट्स के नापने के लिए वर्णन कीजिए, तो बेहतर होगा कि आप वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल वेस का जिक्र करेंगे वहां पे स्टैनफोर्ड बिने का जिक्र नहीं कीजिए वहां वेशलर एडल्ट, बिकॉज इट इज मेनली केटर टू द एडल्ट एंड ओल्डर एडोलेसेंट्स. ओके, देन दिस टेस्ट वॉज डिजाइन बाई साइकोलॉजिस्ट डेविड वेशलर. अब डेविड वेशलर का नाम हमने कहाँ सुना है, डेविड वेशलर साहब की हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, दी ग्लोबल कैपेसिटी वाली है ना, जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है. हु बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट मेंटल एक्टिविटीज रादर देन अ सिंगल जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर. ये क्या विश्वास करते थे, ये विश्वास करते थे कि जो बुद्धि है वो विभिन्न प्रकार की मेंटल एक्टिविटीज से मिलकर बनी है रादर देन ए सिंगल जी, यानी कि ये जी का विरोध कर रहे हैं. जी मतलब जनरल इंटेलिजेंस, मतलब जनरल फैक्टर, जिसके बारे में बहुत बार बात की जा चुकी है. देन वेशलर वाज डिससेटिस्फाइड विद व्हाट ही बिलीव वर द लिमिटेशंस ऑफ द स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट. क्यों, क्योंकि देखिए आपका स्टैनफोर्ड बिने का जो वेरियस रिविजन्स आ रहे हैं, तो ये वेशलर साहब स्टैनफोर्ड बिने से इंटेलिजेंस टेस्ट से डिससेटिस्फाइड थे, संतुष्ट नहीं थे पूरी तरीके से और उसमें कुछ खामियां पाते थे. एज अ रिजल्ट वेशलर डिवाइज अ न्यू टेस्ट ड्यूरिंग द 1930s exactly in 1939 and known as the Wechsler-Belloué intelligence test. तो उनमें कुछ खामियां उन्होंने पाई तो इसलिए उन्होंने अपना एक टेस्ट बनाया 1939 में, जिसको कि WBI कहते हैं, WBIS, Wechsler-Belloué intelligence scale वहां पर उसको बोला जाता है. तो शुरू करते हैं. अच्छा, ये टी इधर आ गया. ओके, डिसएग्रीमेंट विद स्टैनफोर्ड बिने स्केल. कहां कहां ये स्टैनफोर्ड बिने से अपने आप को, स्टैनफोर्ड बिने स्केल से अपने आप को डिस सेटिस्फाइड या डिसएग्रीड पा रहे थे. सबसे पहली बात, वेशलर डिड नॉट एग्री विद द आइडिया ऑफ ए सिंगल स्कोर दैट द बिने टेस्ट गिव, जो कि स्टैनफोर्ड बिने, यहां जहां जहां बिने लिखा होगा उसका मतलब स्टैनफोर्ड बिने से, बिने साइमन से नहीं है. ओके, देन ये सहमत नहीं थे कि जो बिने स्टैनफोर्ड बिने एक जी दे रहा है, एक सिंगल स्कोर दे रहा है, उस आइडिया से ये डिससेटिस्फाइड थे. देन इनका क्या ख्याल था, कि इनका क्या अनुमान था, इनकी क्या थ्योरी थी, इनकी क्या सोच थी. जनरल इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्पेसिफिक एंड इंटर रिलेटेड फंक्शंस और एलिमेंट्स दैट कैन बी इंडिविजुअली मेजर्ड. मतलब जो जी है वो बहुत सारे विशिष्ट और मिले हुए फंक्शंस या तत्वों का कॉम्पोजिशन है जिसको कि हम इंडिविजुअली मेजर कर सकते हैं. देन ही वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट फॉर द कंसेप्ट ऑफ नॉन इंटेलेक्टिव फैक्टर्स एंड ही फेल्ट दैट द 1937 बिने स्केल डिड नॉट डू अ गुड जॉब ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दीज फैक्टर्स इन टू द स्केल. इन्होंने कहा कि जो हमारे पास नॉन इंटेलेक्टिव फैक्टर्स भी तो हैं कुछ, जो हमारे रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, और इनके अनुसार जो 1937 का बिने साइमन था, सॉरी स्टैनफोर्ड बिने था, उसने इसको इंक्लूड नहीं किया था. कौन से नॉन इंटेलेक्टिव फैक्टर्स हैं इनके अनुसार, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ फेलियर, एटीट्यूड, ये भी तो
इम्पैक्ट डालते हैं ना जब हम सवालों के हल निकालते हैं. तो इन्होंने कहा कि इनको इंक्लूड नहीं किया गया, ये भी एक कमी है. देन वेस्लर आर्ग्यूड दैट द बिने स्केल, ओह सॉरी देखो कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, ये स्केल है, बिने स्केल आइटम्स वर नॉट वैलिड फॉर एडल्ट टेस्ट टेकर्स बिकॉज द आइटम्स वर चोजन स्पेसिफिकली फॉर यूज विद चिल्ड्रन. ये कह रहे हैं कि जो सैनफोर्ड बिने टेस्ट है एडल्ट के लिए उचित नहीं है. क्यों? क्योंकि जो आइटम चुने गए हैं वो विशिष्ट रूप से बालकों के लिए चुने गए. देन द बिने स्केल्स इम्फेसिस ऑन स्पीड विद टाइम्ड टास्क स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्केल टेंडेड टू अनड्यूली हैंडीकैप ओल्डर एडल्ट्स. जो बिने स्केल की जो इम्फेसिस है स्पीड पे, जो प्रोसेसिंग स्पीड की बात हो रही है या टाइम्ड टास्क है स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्केल, पूरे स्केल में उस तरीके के सवाल हैं, वो क्या कर रहे हैं, ओल्डर एडल्ट्स वहां पर अपने आप को हैंडीकैप महसूस करेंगे. क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, हम बात करते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, तो ये एज का भी इफेक्ट आता है ना, इसलिए आप उसको समतुल्य नहीं कर सकते हैं, ये भी एक कमी है. देन वेस्लर बिलीव दैट मेंटल एज नॉर्म्स क्लियरली डिड नॉट अप्लाई टू एडल्ट्स. इसीलिए ये मेनली एडल्ट पर फोकस करके अपना टेस्ट बना रहे हैं. ओके, क्योंकि कई खामियां ये पाते हैं कि एडल्ट को की इंटेलिजेंस को नापने के लिए स्टैनफोर्ड बिने इज नॉट अ सूटेबल टेस्ट इन अकॉर्डेंस टू वेस्लर. Then he criticized the then existing Binet scale because it did not consider that intellectual performance could deteriorate as a person grew older. है ना, यही बात निकल कर आई कि जब जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है उसकी intellectual performance deteriorate करती है. ये जो fact है उसको Stanford Binet अपने में नहीं include करा था और उसको ये अपने test में include कर रहे हैं. ओके, अब आता है सबसे पहले वेस्लर बिलवे इंटेलिजेंस स्केल. बिलवे किसी का नाम नहीं है, जगह का नाम है न्यूयॉर्क सिटी में. देन The Wechsler Bilowe Intelligence Scale were innovative है, नवाचार से युक्त है. क्यों? क्योंकि 1939 में ये वो काम कर रहे थे जो कोई और नहीं कर रहा था. जैसे दे गैदर टास्क क्रिएटेड फॉर नॉन क्लिनिकल purposes. फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज अ क्लिनिकल टेस्ट बैटरी. क्लिनिकल टेस्ट बैटरी को ये नॉन क्लिनिकल purposes के लिए यूज कर रहे थे जो कि कोई और भी नहीं कर रहा था उस वक्त. देन सब लोग, क्योंकि उस वक्त बिने का इतना इन्फ्लुएंस था इंटेलिजेंस टेस्टिंग में कि कोई भी उससे इतर कुछ नहीं सोच रहा था, ये पॉइंट स्केल कंसेप्ट का यूज कर रहे थे इंस्टेड ऑफ द एज स्केल कंसेप्ट. और एंड इंक्लूडेड ए नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस स्केल को ये इंक्लूड कर रहे थे, जबकि जो आपका स्टैनफोर्ड बिने है वो नॉन वर्बल को बहुत बाद में लाया अपने रिवीजन में. इन्होंने कहा कि वर्बली लोडेड है ये टेस्ट, नॉन वर्बल भी उसमें हिस्से होने चाहिए जांचने के लिए. देन ही इज डेविड वेस्लर. 1896 से 1981 इनका जीवन काल रहा है. स्टडीड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड वेंट टू फ्रांस विद यूएस आर्मी इन दिस एंड दैट एंड देन टू लंदन. स्टडीड विद पियर्सन एंड स्पीयरमैन. पियर्सन और स्पीयरमैन साहब के साथ पढ़े हुए हैं, ऑल्सो विद एना फ्राय, तब बड़े बड़े लोगों के साथ इन्होंने पढ़ाई लिखाई की अपनी. देन अब हम पढ़ते हैं जितने इसके वर्जन निकले हैं ना. तो वेस्लर बिलवे इंटेलिजेंस स्केल वाज लेटर रिवाइज्ड एंड बिकेम नोन एज द वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल. यानी कि वेस्लर बिलवे इंटेलिजेंस स्केल ही बाद में वेस बन जाता है. और वेस के भी चार रिवीजन हो चुके हैं. जो लेटेस्ट है इसका 2008 में आया है और स्टैनफोर्ड बिने का लेटेस्ट 2003 में था, वो उसका पांचवा एडिशन था. तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी. तो वेस पहला कब आया, 1955 में. कर्सर कहाँ चला जाता है, 1955 में. देन सेकेंड आया 1981 में. ये रिवीजन है वेस आर रिवाइज्ड, ये तीसरा रिवीजन हो गया, इसलिए इस पर तीसरा नंबर डाल दिया. तीसरा रिवीजन 1997 में और चौथा रिवीजन 2008 में. तो इतने तो रिवीजन आ चुके हैं, अब बारी बारी से पढ़ते हैं. वेस 1955 में जो आया ये क्या है, इनिशियली क्रिएटेड एज अ रिवीजन ऑफ द वेस्लर बिलवे सॉरी इंटेलिजेंस स्केल WBIS व्हिच वाज अ बैटरी ऑफ टेस्ट पब्लिश बाय वेस्लर इन 1939. इतना क्लियर हो गया. फिर जो आपका वेस्लर बिलवे इंटेलिजेंस स्केल है वॉज कम्पोज ऑफ सब टेस्ट दैट कुड बी फाइंड फाइंड होना चाहिए था, स्पेलिंग गलत हो गई, दैट कुड बी फाइंड इन अदर इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ द टाइम. यानी इसमें सवाल कौन से किस तरीके के, उसी तरीके के जैसे उस वक्त के जो इंटेलिजेंस टेस्ट बन रहे थे उसमें सवाल थे, जैसे बिने साइमन स्टैनफोर्ड बिने. देन द वेज सॉरी स्टैनफोर्ड बिने है ना, बिने साइमन का तो 1911 के बाद कोई वर्जन नहीं आया. द वेज वॉज फर्स्ट रिलीज इन फेब्रुवरी 1955 बाई डेविड वेस्लर. तो डेविड वेस्लर 1955 में पहला वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल अपना रिलीज कर रहे हैं. देन दिस टेस्ट इंक्लूडेड नॉन वर्बल आइटम्स एज वेल एज वर्बल आइटम्स फॉर ऑल टेस्ट टेकर्स. एंड बिकॉज द 1960 फॉर्म ऑफ लुईस टर्मन स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल वॉज लेस केयरफुली डेवलप्ड देन प्रीवियस वर्जन्स, फॉर्म वन
ऑफ द वे सरपास द स्टैनफोर्ड विनर टेस्ट इन पॉपुलैरिटी बाय द 1960s. क्या मतलब है इसका कि देखिए ये 1955 में लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद 1960 में जो लुईस टर्मेन का नया वर्जन आ रहा है वो इतना बेहतर वर्बल नॉन वर्बल और इन सब चीजों का इंक्लूजन अपने में नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी के मामले में वेस जो है इनके इस फॉर्म से आगे निकल गया. देन लाइक द ट्रेडिशनल स्टैनफोर्ड विनर टेस्ट द वेस ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ओवरऑल स्कोर. However, Bachelor utilized a different approach to calculating this number. मतलब ये भी स्टैनफोर्ड बिने की तरह एक ओवरऑल स्कोर दे रहे हैं, लेकिन वो उसको उस तरीके से नहीं नाप रहे हैं जैसे कि स्टैनफोर्ड बिने में नापा जा रहा है. इनका कैलकुलेशन का तरीका अलग है. ये तो हुआ वेस 1955. तब आता है वेस का पहला रिविजन जो कि 1981 में आ रहा है. इसमें क्या हो रहा है, अ रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ वेस वाज रिलीज्ड इन 1981 एंड कंसिस्टेड ऑफ 6 वर्बल एंड 5 परफॉर्मेंस सब टेस्ट. अब इसमें क्या आ जाते हैं, 6 वर्बल यानी कि वर्बल नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस को ही नॉन वर्बल कहते हैं, तो वर्बल के 6 टेस्ट हैं और परफॉर्मेंस के 5 सब टेस्ट हैं. तो वर्बल के 5-6 सब टेस्ट हैं कौन कौन से, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, एरिथमेटिक, डिजिट स्पैन, सिमिलैरिटीज एंड वोकैब. इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो वर्बल सब टेस्ट होगा. और जबकि परफॉर्मेंस हम कैसे चेक करेंगे व्यक्ति की, पिक्चर अरेंजमेंट, पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिजाइन, ऑब्जेक्ट असेंबली और डिजिट सिंबल. मतलब पिक्चर को अरेंज करना, पिक्चर अधूरी है उसको कंप्लीट करना, ब्लॉक डिजाइन, ऑब्जेक्ट को असेंबल करना, डिजिट सिंबल, इस तरीके के प्रश्न. क्योंकि इसमें कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार की भाषा की आवश्यकता नहीं है. तो हमारा रिजल्ट जो आएगा, स्कोर क्या क्या आएगा, वर्बल IQ आ जाएगा वर्बल सब टेस्ट से, परफॉर्मेंस IQ आ जाएगा परफॉर्मेंस सब टेस्ट से, और फुल स्केल IQ आ जाएगा. वर्बल IQ प्लस परफॉर्मेंस IQ इज इक्वल टू फुल स्केल IQ. ये बात चल रही है 1981 में. फिर आता है आपका 1997 में वेस का तीसरा रिवीजन. ये क्या है, वेस 3, अ सबसीक्वेंट रिवीजन ऑफ द वेस एंड द वेस आर वाज रिलीज्ड इन 1997. ये 1997 में आ रहा है. इसमें क्या चीज जुड़ गई, इट प्रोवाइडेड स्कोर्स फॉर वर्बल IQ, परफॉर्मेंस IQ एंड फुल स्केल IQ. ये तो पीछे भी था. Along with क्या जुड़ गया इसमें, 4 secondary indices. इसमें 4 secondary indices भी जुड़ जाते हैं. कौन कौन से, verbal comprehension जुड़ा इसमें, working memory जुड़ी, perceptual organization and processing speed. यानी कि आपको भाषा से संबंधित कितना बोध है, working memory आपकी कितनी fast है, आपके में perceive करने का organization कितना बढ़िया है, और processing speed कितनी है. तो ये जो verbal IQ है इसको नाम दिया गया VIQ, performance IQ को नाम दिया गया PIQ. तो वर्बल IQ में 7 टेस्ट एंड प्रोवाइडेड 2 सब इंडिसेस, और PIQ में 6 टेस्ट एंड इट आल्सो प्रोवाइडेड 2 सब इंडिसेस. तो ये नेक्स्ट डायग्राम से आप बेहतर समझ पाएंगे. ये देखिए, ये वेस 3 का पूरा स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है. FSIQ फुल स्केल IQ के 2 पार्ट्स, वर्बल IQ, परफॉर्मेंस IQ. वर्बल IQ फिर बन जा रहा है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स और वर्किंग मेमोरी इंडेक्स में, जिसको कि VCI WMI कह रहे हैं. और परफॉर्मेंस IQ फिर बन जा रहा है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स में, POI PSI. फिर इनके सब पार्ट्स हैं 7 वर्बल IQ में और 5 परफॉर्मेंस IQ में. 7 कौन कौन से, वोकैब, सिमिलैरिटीज, इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंशन, एरिथमेटिक, डिजिट स्पैन और लेटर नंबर सीक्वेंसिंग. जबकि परफॉर्मेंस IQ में हमसे पूछा जा रहा है पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग, डिजिट सिंबल कोडिंग एंड सिंबल सर्च. ये पूरा स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है वेस का, जो कि उसका तीसरा रिविजन है, जो कि 1997 में आ रहा है. अब आता है वेस 4 2008 में जो आया, जो लेटेस्ट वर्जन है. द करेंट वर्जन ऑफ द टेस्ट द वेस 4 व्हिच वाज रिलीज्ड इन 2008 इज कंपोज्ड ऑफ 10 कोर सब टेस्ट एंड 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट. यहाँ पे सब टेस्ट 10 हो गए और 5 उसमें सप्लीमेंटल सब टेस्ट भी जोड़े हैं. विद द 10 कोर सब टेस्ट यील्डिंग स्केल्ड स्कोर्स, स्केल्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, LED होना चाहिए था, स्केल्ड स्कोर्स दैट सम टू डिराइव द फुल स्केल IQ. यानी कि जो 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट है उसके नंबर ये नहीं जोड़ रहे हैं अपने IQ में, सिर्फ कोर सब टेस्ट के जोड़ रहे हैं फुल स्केल IQ में, FSIQ. ओके, और द वर्बल परफॉर्मेंस IQ स्कोर्स फ्रॉम प्रीवियस वर्जन है ना, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो हट गया और अब उसकी जगह क्या आ गया, इंडेक्स स्कोर आ गया. क्यों, क्योंकि रिवाइज हो रहा है, कुछ उसमें बढ़ोतरी हो रही है, कुछ एडवांसमेंट है, कुछ हिसाब किताब थेरीज का चेंज हो रहा है, तो रिवीजन होते जा रहा है. फिर द जनरल एबिलिटी इंडेक्स, ये एक नया टर्म आ गया, देखिए GAI वॉज इंक्लूडेड. इसमें क्या क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ द सिमिलैरिटीज, वोकैब एंड इन्फॉर्मेशन सब टेस्ट फ्रॉम द वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स. अभी हमने पढ़ा था ना सिमिलैरिटीज, वोकैब एंड इन्फॉर्मेशन, एंड द ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग एंड विजुअल पजल्स सब टेस्ट फ्रॉम द परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स. ये देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये वोकैब, सिमिलैरिटीज, इन्फॉर्मेशन, ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का और ये वर्किंग मेमोरी का. ओके, द GAI इज क्लिनिकली यूजफुल बिकॉज इट कैन बी यूज एज ए मेजर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट आर लेस वल्नरेबल टू इंपेयरमेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड एंड वर्किंग मेमोरी. क्यों, क्योंकि इन्होंने
प्रोसेसिंग स्पीड और वर्किंग मेमोरी को लिया ही नहीं है, सिर्फ किसको लिया है, वो कैब वर्बल और परफॉर्मेंस को। ये देखिए वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स, सॉरी मेरा कर्सर, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स को लिया है और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को लिया है, वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड को नहीं लिया, दोनों को छोड़ दिया है, प्रोसेसिंग स्पीड और वर्किंग मेमोरी को छोड़ दिया है। इसलिए जो उम्र का प्रभाव है वो यहाँ पर नहीं पड़ेगा। देन इंडेक्स स्कोर्स एंड स्केल्स, इसका ये नया इंक्लूजन है। देयर आर फोर इंडेक्स स्कोर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, कौन कौन से, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स VCI, परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स PRI, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स WMI एंड प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स PSI। तो दो ब्रॉड, ये भी नया इंक्लूजन है, 2008 में जोड़ा गया, 1997 वाले में नहीं था। तो हमको दो ब्रॉड स्कोर मिलते हैं वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के चौथे वर्जन से, दो जो 2008 में रिलीज हुआ है। कौन कौन से, एक मिलता है हमको FSIQ और एक मिलता है GAI। तो FSIQ में तो सब जुड़ जाएगा, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स का स्कोर प्लस परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स प्लस वर्किंग मेमोरी इंडेक्स प्लस प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, है ना, यही लिखा है ना, VCI, PRI, WMI एंड PSI। लेकिन जो हम GAI निकालेंगे उसमें हम प्रोसेसिंग स्पीड और वर्किंग मेमोरी नहीं ले रहे हैं, उसमें हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, VCI एंड PRI। तो दो तरीके के स्कोर इसमें मिलते हैं, ओके। इसीलिए ये कह रहे हैं कि ओल्डर एडल्ट, क्यों, क्योंकि ये इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो डिटीरियोरेट होती है ओल्डर एज में जाके। इसीलिए प्रोसेसिंग स्पीड और वर्किंग मेमोरी का अगर हम नए यंग एडल्ट और ओल्ड एडल्ट में कंपैरिजन करेंगे तो अपने आप अंतर आ जाएगा। ओल्डर एज में हमारी वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड उतनी, यू कैन से, मतलब बढ़िया नहीं रहती है। तो हम कह, ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये इसका फुल स्केल IQ है, WAIS 4 का, VCI, PRI, WMI एंड PSI, सबके सब टेस्ट उन्होंने बता दिए। सिमिलैरिटीज वो कैब इन्फॉर्मेशन, ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग, विजुअल पजल्स, वर्किंग मेमोरी में डिजिट स्पैन अरिथमेटिक, कोर सब टेस्ट में सिंबल सर्च कोडिंग। सप्लीमेंटल सब टेस्ट के नंबर नहीं जोड़ रहे हैं ना, उसके मार्क्स नहीं जोड़ रहे, सिर्फ जो कोर सब टेस्ट है उनके जोड़े जा रहे हैं, 3, 3, 6, 2, 8, 10। 10 कहा था ना कि 10 सब टेस्ट है, 10 कोर सब टेस्ट है, ओके। तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं वेज 4 को? वेज 4 इज द लेटेस्ट रिवीजन ऑफ वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स, द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस फॉर एडल्ट्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये स्पेसिफिकली एडल्ट के लिए बनाया गया है। इट रिप्रेजेंट्स अ कंटिन्यूइंग ट्रेडिशन ऑफ चेंज एंड इनोवेशन दैट हैज बीन मोस्ट एविडेंट इन रीसेंट रिवीजन्स ऑफ द स्केल। मतलब इसमें ट्रेडिशन को भी हमने लिया है, क्योंकि वेशलर साहब का मेन इसमें जो उन्होंने थीम लेकर चले थे उसमें सारे इनोवेशन जुड़ते गए जैसे जैसे समय के साथ इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हुए। द मोस्ट रीसेंट edition of the Wechsler intelligence scales have involved dramatic changes based on research advances in neuropsychology, mein itna kaam ho gaya, cognitive neuroscience ne humko bata diya bahut kuch, contemporary intelligence theories bahut kuch bata rahi hain, as well as increasing sophistication in psychological measurement. ab psychological measurement aisa thodi hota hai jaise 50 saal pehle hota tha, usme bhi bahut sari एडवांसमेंट आ गए। तो उस सब को इनकॉर्पोरेट करते हुए WAIS 2008 चल रहा है। The WAIS 4th edition reflects the culmination of over 70 years of progressive revisions of the Wechsler line of adult intelligence measures। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बेहतरीन टेस्ट है ये एडल्ट की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। ओके, तो हमने वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल भी आज कंप्लीट किया, जिसके कि चार वर्जन आ चुके हैं, पहला 1955 में, फिर उसके बाद 1981, 1997 और 2008, ऐसा कुछ है ना, या मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो आप उसे सही देख लीजिएगा पीछे जाके फिर से। तो ये सब हमको याद करना पड़ेगा, ओके। सो बस एक इंडियन अडेप्टेशन भाटिया बैटरी में आपके संग डिस्कस करूँगी, फिर इंटेलिजेंस को हम लोग ख़त्म करेंगे। और इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और आपने देखा ही कितना कुछ है इसमें जानने के लिए, सब कुछ अगर हम जान जाएँ तो बेहतर, एकदम बढ़िया हो जाएगा हिसाब किताब, है ना। तो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, and join my Telegram group too.